डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। दो मेन टाइप्स रहते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के, एक को कहते हैं हम डायनेमिक JTD और दूसरे को कहते हैं स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। पहला जो डिस्टॉर्शन है उसे हम कहते हैं डायनेमिक डिस्टॉर्शन, या मैं बोलूंगा उसको स्लाइड डिस्टॉर्शन या वीक डिस्टॉर्शन। ठीक है, डायनेमिक मीन्स जो रुका हुआ ना हो, जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं डायनेमिक। और ऐसा डिस्टॉर्शन जो रहता है वीक डिस्टॉर्शन, ये हम मेजर नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। और ये रहता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी अगर आप लो टेम्परेचर देखेंगे लो टेम्परेचर पे, तो ये डिस्टॉर्शन जो है ये हमको अच्छा खासा दिखता है, मतलब ये स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये डिस्टॉर्शन जो है ये खत्म हो जाता है, ये ऑब्जर्वेबल नहीं होता। ठीक है, यानी अगर आप उसको मेजर करना भी चाहते हैं तो इट कैन बी मेजर्ड एट वेरी लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होता है। तो ये वीक डिस्टॉर्शन होता है, मैंने कहा पहले वीक डिस्टॉर्शन। और याद रखना, ऐसा जो डिस्टॉर्शन है ये होता है तब जब T2G जो है ये एसिमेट्रिकल हो, एसिमेट्रिकल, इसमें T2G में एसिमेट्रिकल फिलिंग हो, और आपके पास में जो लिगेंड्स होते हैं, या मैं फील्ड बोलूंगा, वो वीक फील्ड होता है, वीक फील्ड, या मैं बोलूंगा ऐसा ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा होता है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में अगर T2G एसिमेट्रिक है तो ये डायनेमिक डिस्टॉर्शन आपको दिखेगा, स्ट्रांग फील्ड में आपको नजर नहीं आता है, मैं बताऊंगा आगे भी। देखो, अब देखो, अगर हम वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस लेंगे तो ये मैंने आपसे कहा कि ये आपको दिखेगा, ये नजर आएगा। ठीक है, और ये ज्यादातर नजर कहां पे आता है, T2G में, T2G जब एसिमेट्रिक हो, हालांकि EG में भी होता है, लेकिन पहले याद रखना T2G में ये प्रेडोमिनेंट, ऐसा डिस्टॉर्शन, डायनेमिक डिस्टॉर्शन। जैसे एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको, हम अगर लेंगे टाइटेनियम हेक्साको टाइटेनियम 3+2 कॉम्प्लेक्स, या लेंगे हम जैसे हेक्साको आयरन 2+2 कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में ये इस तरह का डिस्टॉर्शन आपको नजर आएगा, डायनेमिक डिस्टॉर्शन। तो ये डिस्टॉर्शन क्यों होता है, इसके लिए मैं रीजन बताता हूं। सपोज हमारे पास में टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स, तो ये D1 सिस्टम है यहाँ पे, क्योंकि टाइटेनियम में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आने के बाद में यहाँ पे डी सबशेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन T2G और EG में T2G को पसंद करेगा, T2G में रहना। ठीक है, अब यहाँ पे एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई T2G में, अब यहाँ पे डिस्टॉर्शन तो जरूरी है ना, शाबाश। ये डिस्टॉर्शन ऐसा हो सकता है DXY, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा, जैसे जेड आउट सिस्टम, जेड आउट जिसको मैं बोलता हूँ, जेड आउट डिस्टॉर्शन, जेड आउट हो सकता है या जेड इन हो सकता है, यहाँ पे जेड आउट डिस्टॉर्शन होता है। उस सूरत में क्या होता है, जेड ऑर्बिटल जो रहते हैं उनका एनर्जी डिक्रीज होता है, और जैसे यहाँ पे DZ स्क्वायर नीचे जाएगा इसमें से, और DX स्क्वायर Y स्क्वायर ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी DXY ऊपर जाएगा, और DX स्क्वायर Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर, सॉरी DYZ और DZX, ये जो है ये नीचे आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, दोनों में से इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, सपोज इसमें इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे जो ये डिस्टेंस रहती है इन दोनों के बीच में, क्योंकि फील्ड वीक है तो ये डिस्टेंस बहुत ही कम रहती है, ये रूम टेम्परेचर पे भी ये डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन कवर कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ जाएगा कभी यहाँ जाएगा। अगर यहाँ पे गया तो अलोंग जेड एक्सिस रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, अगर यहाँ गया इलेक्ट्रॉन इसमें, तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस रहेगा, सपोज XY पे रहेगा, अगर अलोंग जेड एक्सिस रहेगा तो जेड पे रिपल्शन ज्यादा होगा, और अगर वाई पे रहा तो वाई पे रिपल्शन ज्यादा होगा, यानी बॉन्ड लेंथ जो है कभी इसकी चेंज होगी कभी इसकी चेंज होगी, यानी कभी अलोंग वाई एक्सिस बॉन्ड लेंथ चेंज इंक्रीज हो जाएगा, कभी अलोंग जेड एक्सिस, और ये जो रहता है ऐसा प्रोसेस ये चलते रहता है एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज ये एनर्जी गैप बहुत कम है, तो स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, सो इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप एट रूम टेम्परेचर, दिस कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स प्लेस, therefore we cannot calculate the exact increase in bond length, यानी कौन सा बॉन्ड इंक्रीज होता है ये हमें नजर नहीं आता, क्योंकि ये डायनेमिक, कभी ये बॉन्ड इंक्रीज होता है कभी ये, कभी ये, कभी ये, ऐसे एक तरह की फ्लक्शनलिटी आती है इसमें। ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्लक्शनल बिहेवियर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, इफ T2G इज एसिमेट्रिक फील्ड इन वीक फील्ड, डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज प्रेडोमिनेंट, याद रखना इस केस में T2G और वीक फील्ड। अब आते हैं हम स्टैटिक,
क्या रहता है, स्टैटिक डिस्टॉर्शन। स्टैटिक डिस्टॉर्शन या स्टैटिक JTD से मैं बोलूंगा, JT डिस्टॉर्शन, इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग JTD। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, मतलब जो आप मेजर कर सकते हैं, जो एक ही जगह। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, यानी टेम्परेचर कम हो ज्यादा हो ये वेरी नहीं होता। सो इसका मतलब ये मेजरेबल है, क्योंकि यहाँ पे एक ही तरह का बॉन्ड, मतलब एक साइड में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, हर कोई बॉन्ड लेंथ पे इससे फर्क नहीं पड़ता, किसी पर्टिकुलर बॉन्ड पे फर्क पड़ेगा, आइदर अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या अलोंग जेड एक्सिस। तो ये कब होता है, ऐसा तभी होगा जब आपका फील्ड स्ट्रांग फील्ड हो और ईजी में अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए। जब ईजी में अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और स्ट्रांग लिगेंड्स हो, तब आपको ये डिस्टॉर्शन दिखेगा, कौन सा, ये स्टैटिक, या मैं बोलूंगा स्ट्रांग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लेता हूँ MnCN6, यहाँ पे स्ट्रांग लिगेंड है, यहाँ पे लिखता हूं मैं सपोज 4-, ये स्ट्रांग लिगेंड है, राइट। स्ट्रांग लिगेंड में आपको ईजी में अनसिमेट्रिकल, इसमें अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई, यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो गया, लेकिन वो जो डिस्टॉर्शन होगा स्ट्रांग फील्ड में स्ट्रांग डिस्टॉर्शन, और ईजी में है तो और ज्यादा स्ट्रांग डिस्टॉर्शन, तो ये स्टैटिक डिस्टॉर्शन बन जाता है, ये डायनेमिक नहीं, ये स्टैटिक है, स्ट्रांग डिस्टॉर्शन। यानी फील्ड स्ट्रांग होगा तो आपको मालूम है सेपरेशन या स्प्लिटिंग स्ट्रांग होगी, ज्यादा होगी बढ़ेगी, तो उस सूरत में क्या होता है, जब दो एनर्जी लेवल्स के बीच में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन इजीली जंप नहीं कर सकता, जंप नहीं कर सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में ही रहेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रहेगा, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलता मैं आपको कुछ, सपोज आपके पास में ईजी में अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन फील्ड वीक है, फील्ड वीक है, तो उस सूरत में क्या हो सकता है, उस सूरत में आपको ईजी में भी स्टैटिक डिस्टॉर्शन या टेम्परेचर डिपेंडेंट डिस्टॉर्शन दिख सकती है। ये बात याद रखना, डिस्टॉर्शन होगी लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट, मैं बोलूंगा स्टैटिक नहीं, इसमें डायनेमिक डिस्टॉर्शन दिखेगा आपको, डायनेमिक ईजी में अगर वीक फील्ड होगा तो। अब नजर रखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, जो डायनेमिक डिस्टॉर्शन होती है, तो मैंने आपसे कहा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिस्टॉर्शन मेजर नहीं होती, यानी टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली जंप होता है, तो ऐसे डिस्टॉर्शन को कहते हैं डायनेमिक, ठीक। लेकिन अगर हम लो टेम्परेचर देखेंगे, एट लो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता क्योंकि उसको उतनी एनर्जी नहीं मिलती, तो डिस्टॉर्शन जो है वो डायरेक्शनल बन जाती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जहां वो मेजरेबल हो जाती है, तो उस सूरत में वो डायनेमिक से स्टैटिक में आ जा सकती है, मतलब वो स्टैटिक बन सकती है। जैसे मैंने अभी ईजी की बात की, तो लो टेम्परेचर पे वो डायनेमिक से स्टैटिक में आ जा सकती है, यानी लो टेम्परेचर पे आप उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में ईजी में अनसिमेट्रिकल फिलिंग है, तो यहाँ पे स्टैटिक ये भी हो सकती है, स्टैटिक डिस्टॉर्शन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, या इसमें डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि लिगेंड कैसा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अच्छे खासे फील्ड में बताता हूँ कि ये डिस्टॉर्शन और भी कैसे हो सकती है। सपोज यहाँ पे कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स है, एग्जैक्ट वो कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स, हमें मालूम इसमें D9 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वो जो नवा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो रहेगा ईजी में, तो इसका मतलब वहां पे ईजी में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1, तो डिस्टॉर्शन तो यहां पे स्ट्रांग होगी ईजी की वजह से। और ये रूम टेम्परेचर पे स्टैटिक है, ये वाली जो है ना, ये रूम टेम्परेचर पे स्टैटिक रहेगा, तो मैं बोलूंगा इसको स्टैटिक डिस्टॉर्शन। लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इस कॉम्प्लेक्स का, इसको आप मेजर करना चाहेंगे 100 डिग्री पे, तो 100 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो जंप करता है फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, तो उससे क्या होता है, वहां पे जो डिस्टॉर्शन है वो डायनेमिक बन जाती है। तो यहां पे मैं बोलूंगा, यहां पे जो स्टैटिक से डायनेमिक बन गया, ये इट इज बिकॉज ऑफ दिस इंडक्शन ऑफ फ्लक्शनलिटी ड्यू टू हीटिंग। यहां पे फ्लक्शनलिटी जो आती है वो हीटिंग की वजह से आती है, क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये डिफरेंस
इन दोनों का। तो फिलहाल आज यहीं तक, अगर मुझे लगा तो मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी ऐड करूंगा इस यूनिट में, वरना इतना भी काफ़ी है। तो मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।